अब मुझे आप बताइए सर, आप जो बोल रहे हैं ये अपॉइंटमेंट तो ममता बनर्जी का है, तो इसमें ईसी क्या करेगा? उन्हीं की रिपोर्ट से, उन्हीं की फाइंडिंग है, बताइए ना। मैं जो कर रहा हूँ कि ईसी जो है, ईसी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे जो है काम कर रहा है। अच्छा। सिर्फ बंगाल में नहीं, जहाँ भी विपक्षी पार्टियां शासन में है वह कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। अच्छा। बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और बीजेपी के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आप अभी तक चुनाव जीतते आ रहे थे उसमें ईसी आपका साथ दे रहा था या उनका साथ दे रहा था? चाहे जितने भी हथकंडे अपनाए जाए, हाँ, चाहे वह ईसी के द्वारा हो, राज्यपाल के द्वारा हो, चुनाव हम जीतेंगे। पुनः जो है मुझे ये से मतलब नहीं है। आप जानते हैं जिस चुनाव आयोग की पूरी दुनिया में धाक है अमेरिकन इलेक्शंस के बाद, जिसके जिससे सीखने के लिए बाकायदा अमेरिका से ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? और आपके वहां पर आई विटनेस अभिषेक उपाध्याय को स्क्रीन में दिखाएं, आपके वहां पर आई विटनेस सीधे तौर पर बोलते हैं कि वहां पर कोई ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक नहीं था, धक्का था वहां पर, और आप बोल रहे हैं इसी ने गलती की। आई विटनेस का अगर आप व्हाट्सएप नंबर दें तो मैं दे दूंगा आपको। आई विटनेस जो है किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो जो है भाजपा का मिठाई की दुकान, सालों पुरानी मिठाई की दुकान जो है वो भाजपा का कार्यकर्ता, वहां पर प्लांट था मिठाई की दुकान में हैं, जहां से बर्फ आई थी, तो मतलब भाजपा के कार्यकर्ता ने आपको बर्फ दी ममता को पैर पे लगाने के लिए। सबसे बड़ी बात, आटे में नमक अच्छा लगता है, नमक में आटा कभी अच्छा नहीं लगता है, थूकना ही पड़ता है उसे, और वही किया इसी ने। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं और दूसरे मेरे साथ जो टीएमसी के बादल देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब निखिल प्रसून सर हमारे साथ हैं, योर रिएक्शन वेरी क्विकली। देखिए जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुढ़, जनता इस पर क्या कहती है? नंदीग्राम की उस घटना की परत दर परत खुलते जा रही है। पहले चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसका अन्वेषण किया, उसे स्केची बताया, उसे एम्बिगुअस बताया। उसके बाद जो चुनाव आयोग के दोनों पर्यवेक्षक हैं, जिनका कि बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है, उन्होंने इसका गूढ़ अन्वेषण किया और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अब इसके बाद इस बारे में कोई शक और शुबा नहीं रहना चाहिए, ये घटना एक एक्सीडेंट था और इसके अंदर जो साजिश का जो आरोप लगा रहे थे विपक्ष के महारथी लोग, अब उनका आरोप वो चारों खाने चित हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं शीघ्रातिशीघ्र उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि जिन्होंने वो सड़कों पर आई हैं, चुनावी महासमर में अपना वो योगदान करें, लेकिन उनके चोट के इर्द गिर्द की राजनीति का संचालन खुद तृणमूल के सांसद कर रहे हैं, तृणमूल के नेता कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री महोदय तक को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। देखिए राजनीति में कटाक्ष की का अपना एक स्थान होता है, उस कटाक्ष को राजनीतिक षड्यंत्र से तुलना करना एक तरह से मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है, और अब तो इसी की रिपोर्ट भी चली आ गई है। दूसरी बात, कोई भी संवैधानिक संस्था अगर उनके अनुरूप ना चले तो वो उसी संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाने के लिए उनकी वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, कूदने लगते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम ले लेकर के आप उन पर इल्जाम लगाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर इल्जाम लगाते हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं सीबीआई ईडी सब पर आप इल्जाम लगाते हैं। कोई भी स्वायत्त संस्था जो कि संवैधानिक संस्था है उसको आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, आप समूची संस्था पर, समूचे देश पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि जनता जो है तो चुपचाप मूक दर्शक बैठी रहे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंगाल की जनता आपने जो बात बोली है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।